तव्हांजे प्रोग्राम में असीं शामिल थी चुका आहियूं सलाम सिंध में। असीं हिन मज़ाक ई करे रहियासीं त असां इन थी वियासीं प्रोग्राम में। भलीकार भलीकार ई तव्हां प्रैक्टिस कई पए। असां सुबुह सुबुह जो टे चारि मिंट भलीकार जी प्रैक्टिस कंदी आहे, हिन खां विसरी वेंदो आहे भलीकार जो। पर इहे खिल भोग सां असां पंहिंजे प्रोग्राम में इन थी चुकासीं। आउं आहियां तव्हांजो मेज़बान इरशाद जागीराणी, मूंसां गॾु आहे दिया ख्वाजा। दिया, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? मां ठीकु आहियां। इहो ख़बर अथव इहे साइड इफेक्ट हूंदा आहिनि नेरनि निकिरण जा, इन करे मां चवंदो आहियां सुबुह जो माण्हू नाश्तो करे, ऐं नाश्तो बि टाइट करे त दिमाग़ टाइट रहंदो आहे, पोइ दिमाग़ उते पंहिंजी जाइ ते रहंदो आहे। सो सुबुह सुबुह सां नेरनि तव्हां बि करे छॾी हूंदी, पंहिंजे ऑफिस पंहिंजे कम सां निकिता हूंदो, ऐं ईअं जीअं ॻाल्हियूं विसरी वेंदियूं आहिनि त इहा ॻाल्हि सुठी कान्हे का। पंहिंजी यादाइश ते थोरो वधीक ज़ोर ॾियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ ते थोरो गौर ॾियो। पंहिंजी ज़िंदगीअ में जेकी तव्हां जेका पंहिंजो जेको सिस्टम आहे, रुटीन जेका आहे जंहिंखे पाण चऊं, उहा तव्हां बिगाड़े छॾी आहे। वक़्त ते तव्हां सुम्हो कोन था, वक़्त ते तव्हां खाओ नथा, वक़्त ते घुमो फिरो नथा, बसि पंहिंजे लेखे ज़िंदगी गुज़िरे थी। पंहिंजे लेखे वारी ज़िंदगी अचानक तव्हांखे बीमार करे छॾींदी, पोइ तव्हां चवंदो त हीअ त छा थी वियो, हीअ त अलाए छा 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 कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं थियूं आहिनि। पोइ वरी चवंदो त हुजे हिकु बीमारी त दवा बि वठूं, अंदरि पियो सड़ियो आहे, मिड़ी था हलूं। सो सुबुह सुबुह तव्हां हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि इहा तव्हां सां कईसीं, ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं बि खोड़ सारियूं तव्हां सां करणियूं आहिनि त माण्हू महिनत करे पर गॾो गॾु सखावत बि करे। के माण्हू सिर्फ़ु महिनत ते बिलीव कंदा आहिनि, इलाही माण्हू जो इहो चवणु आहे भई महिनत कंदासीं महिनत कंदासीं त पोइ रिज़्क़ वधंदो, पोइ कुशादो थींदो। रिज़्क जो जेको राज़ आहे उहो सखावत में लिकियलु आहे। तव्हां हथु खुलियो रखो पंहिंजो, तव्हां ॾींदा रहो, ॾियण वारा थियो, तव्हांखे रब अता कंदो रहंदो, तव्हांखे ॾींदो रहंदो। तव्हां सुबुह सुबुह जेके निकिरो था कंहिं सिग्नल ते, कंहिं चौराहे चौक ते, जेकॾहिं को फ़क़ीर को जेकॾहिं तव्हांजे अॻियां हथु टंगे थो, तव्हां हुनखे ज़रूरु ॿ चार रुपया ॾेई छॾींदा कयो। पंहिंजे बचनि जो सदिको, पंहिंजी सिहत जो सदिको, ऐं पंहिंजे सफ़र जो सदिको ॾेई छॾींदा कयो। इलाही भलाउनि खां तव्हां महफ़ूज़ रहंदो। सदिको भलाउनि खे टारींदो आहे, आफ़तुनि खे टारींदो आहे, बुराइनि खे टारींदो आहे। सुबुह सुबुह तव्हां हिकु इहो कंदा कयो। ऐं ॿियो हिकिड़ी ॻाल्हि मां ॾिठी आहे त हाणे गर्मीअ जी मुंद बि अचण वारी आहे। आउं जॾहिं ऑफिस खां वापसि थींदो आहियां पंहिंजे घर ॾे त आउं ॾिसंदो आहियां त फुटपाथ ते इलाही मज़दूर वेठा हूंदा आहिनि, जेकी मूंखे ईअं लॻंदो आहे ॼणो इलाही उञायल आहिनि, इलाही तरसियल आहिनि पाणीअ जे लाइ। अॼुकल्ह ॾिसो था त कराची जी सूरत हाली आहे त कराची में साफ़ु सुथिरो पाणी आहे कोन, ऐं ॿियो वरी मज़दूर जेको तबिको आहे उहे मिनरल वाटर्स ख़रीद करण जी ऐं उन्हनि वटि एतिरी गुंजाइश न हूंदी आहे, उन्हनि खे एतिरी ताक़त न हूंदी आहे जो हू 80 रुपए जो या 100 रुपए जो या 60 रुपए जो मुख़्तलिफ़ रेट्स आहिनि मिनरल वाटर्स जा त उहे वठी करे साफ़ु सुथिरो पाणी पी सघनि। पोइ जेकॾहिं तव्हां घरां निकिरो था त जेकी ख़ाली बोतलूं हूंदियूं आहिनि ॿ चारि जेकॾहिं भरे निकिरंदव ऐं रस्ते में कंहिंखे ॾेई छॾींदो, पाणी पीआरण बि सवाब जो कमु आहे। अॻे ज़माने में ईअं हूंदो हुयो त कंहिं चौक चौराहे ते पाणी पीआरण वारा मौजूदु हूंदा हुया। अॻे सखावत अहिड़ी हूंदी हुई, अॻे माण्हुनि जी दिलि अहिड़ी कुशादी हूंदी हुई जो बस स्टैंड ते आउं ॾिसंदो हुयुसि त बर्फ़ वारा दोस्त बर्फ़ खयूं बीठा हूंदा हुया ऐं पाणी वारा दोस्त पाणी, पोइ बर्फ़ ऐं पाणी मिलाए करे थधो पाणी मुसाफ़िरनि खे पीआरियो वेंदो। उहे अलाए काॾे मोहबतूं वयूं, उहे अलाए काॾे जेके ज़माना विया, उहे अहसासु अलाए काॾे विया। हाणे माण्हू मरी विया अलाए उहे जीअर आहिनि, ख़बर नाहे। सो बहरहाल उहो जेको अहसासु आहे, उहो जेको माण्हू आहे, उनखे वरी जीआरियो ॿियनि जे कमु अचो। तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी, हयाती मुख़्तसिर आहे, ॿियनि खे कुझु न कुझु ॾेई वेंदासीं त भलाई इन में आहे। बाक़ी जीअंदा त जानवर बि आहिनि, चढ़ंदा त जानवर बि आहिनि, घुमंदा त जानवर बि आहिनि, खाईंदा त जानवर बि आहिनि। इंसानु थी गुज़ारियो, इंसान ज़ाती ख़िदमत कयो। तव्हांजी ज़िंदगीअ मां, तव्हांजे वजूद मां, तव्हांजे हिते हुजण मां जेकॾहिं कंहिंखे को बि फ़ाइदो नाहे त पोइ तव्हांजो हिते रहणु बिल्कुलु ई अजायो आहे, उनजो बि को फ़ाइदो नाहे। ईअं न सुभाणे पाण वेही करे बि कुझु कचहरी कंदासीं, ऐं इहा सुबुह सुबुह सां तव्हां सां ॻाल्हि कईसीं शेयर। इन खां सवाइ ॻाल्हि कंदासीं त ख़ूबसूरतीअ जी। ख़ूबसूरती इंतिहाई ज़रूरी थी पई आहे अॼुकल्ह जे ज़माने में। माण्हू जेको ख़ूबसूरत आहे, माण्हू उन ॾांहुं मुतवजह थियनि था, माण्हू उन सां ॻाल्हाइणु पसंदि कनि था, माण्हू उन सां भर में वेहणु पसंदि कनि था। ख़ूबसूरत चहिरा यकीननि सभिनी खे वणंदा आहिनि, असांखे बि वणंदा आहिनि, पर ख़ूबसूरत चहिरा जेकी कुदरती हूंदा आहिनि उहे त उहे त सदाई साईं ज़बरदस्तु सुभाणे लाइ उन्हनि जे लाइ पाण चवंदा आहियूं। पर अॼुकल्ह वरी अहिड़ो ज़मानो अची वियो आहे जेसीं ताईं का क्रीम नथा आणनि या जेसीं ताईं पंहिंजी का चट मट नथा कनि, जेसीं ताईं को फेशियल नथा कराइनि छोकिरा या छोकिरियूं, तेसीं ताईं ख़ूबसूरत ॾियण त नथा लॻनि। सो इन जे लाइ हिकिड़ो हल मौजूदु आहे, मार्केट में हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त क्रीम अची वई आहे, उहा तव्हां लॻायो। ऐं वाइटनिंग क्रीम आहे, ए ब्यूटी क्रीम, जंहिंजा मुख़्तलिफ़ फार्मूला मार्केट में मौजूदु आहिनि, बल्कि न्यू जेको बेस्ट एडवांस फार्मूलो अची वियो आहे उहो चांदी क्रीम जो बि आहे, चांदनी क्रीम जो, उहो बि मार्केट में मौजूदु आहे।
ए ब्यूटी क्रीम वारनि जो इहो प्रोडक्ट आहे। ए ब्यूटी क्रीम जेको जंहिंमें माखी बि आहे, जंहिंमें बादाम बि आहे, एलोवेरा बि आहे ऐं खोड़ सारियुनि ख़ूबियुनि सां गॾु मार्केट मौजूदु आहे। हींअर तव्हां ॾिसंदा हूंदो मुंहिंजे हथ में बि आहे ए ब्यूटी क्रीम ऐं हीअ ब्यूटी क्रीम हिन में विटामिन्स बि आहिनि ऐं स्पेशली जेको आहे सो हिन में कुझु अहिड़ियूं शयूं विधियूं वियूं आहिनि जेके टिनि ॾींहंनि में तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदियूं। ए ब्यूटी क्रीम ऐं ए ब्यूटी क्रीम वारनि जो हीअ बि ॾाढो ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे ऐं सासी जे नाले सां ब्यूटी क्रीम आहे ऐं स्पेशली हिन में जेकी शयूं विधियूं वियूं आहिनि उहे मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन में माखी पिया आहे ऐं हिन में बादाम पिया आहिनि त पोइ तव्हांजो चहिरो जेको आहे ॾाढो सुठो थींदो, रंगत तव्हांजी ॾाढी सुठी थींदी, ख़ूबसूरत थींदव, भला लॻंदव, भला लॻंदव त ज़ाहिर आहे वणंदव। पोइ वरी कोई न कोई मेकअप लॻाइण जी ज़रूरत न आहे। इहा तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। फ्रेश तव्हांजो चहिरो थींदो ऐं जेके कंहिंखे एक्नी जो प्रॉब्लम आहे, कंहिंखे जेकॾहिं दाग़ आहिनि, जेकॾहिं को ॿियो मसलो आहे त पोइ तव्हांजो चहिरो साफ़ नीट एंड क्लीन जेकॾहिं करणु चाहियो था त पोइ ए ब्यूटी क्रीम जा ई प्रोडक्ट मार्केट में मौजूदु आहिनि, इहे वठी छॾियो, ॾाढा सुठा आहिनि। ब्यूटी क्रीम आहे तव्हांखे ख़ूबसूरत जेकॾहिं लॻणो आहे, तव्हांखे सुठो लॻणो आहे त स्पेशली ही प्रोडक्ट मार्केट में मौजूदु आहिनि जेकी तव्हां वठी सघो था। ए ब्यूटी क्रीम वारनि अॼु असांजे प्रोग्राम खे ॾाढो सिंगारियो पियो आहे, संवारियो पियो आहे, एडवांस फार्मूला खणी आया आहिनि ऐं एडवांस फार्मूला में जेको आहे स्किन खे ग्लोविंग करणु आहे ऐं फेयरनेस ॾियणु आहे। बादाम हिन में विधा विया आहिनि, हिन में माखीअ जो इस्तेमालु कयो वियो आहे, हिन में ॿियूं बि खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेकी असांजूं अधियूं भेनरूं ख़ासि तौर ते सोचींदियूं आहिनि क्रीम कहिड़ी सुठी लॻाइणु घुरिजे ऐं राति जे वक़्त में जेकी क्रीम चहिरे ते लॻाए करे सुम्हनि थियूं असांजूं भेनरूं, उन्हनि जे लाइ बि हीअ क्रीम ॾाढी फ़ाइदेमंद आहे। फौरी रिज़ल्ट ॾींदी आहे, टिनि ॾींहंनि में तव्हांजो चहिरो निखरी पवंदो, तव्हां पाण महसूसु कंदो तव्हांजे चहिरे में हिकिड़ी गुलाबी रंगत अची वई आहे ऐं तव्हांजो चहिरो फेयर थी वियो आहे ऐं माण्हू तव्हांखे ॾिसी पाण ई चवंदा चंड जो टुकड़ो लॻे थो अॼु त तूं ॼाणे थो मोला, ॼाणे थो मोला। सो चंड जा जेकॾहिं टुकड़ा थियणु चाहियो था त पोइ चांद हा बिल्कुलु 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 ए ब्यूटी क्रीम जेको आहे सो मार्केट में मौजूदु आहे, हिन जा खोड़ सारा प्रोडक्ट मार्केट में मौजूदु आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ नालनि सां मौजूदु आहिनि। सो ए ब्यूटी क्रीम वाहिद नालो तव्हां वठंदव, तव्हांखे उहे शयूं मिली वेंदियूं ऐं कहिड़ी शइ तव्हांखे घुरिजे, तव्हांजो चहिरो कहिड़े तरीक़े जो आहे, तव्हांजो चहिरो ड्राई आहे या वरी जेकॾहिं तव्हांजो चहिरो आयली आहे त पोइ तव्हां उन हिसाब सां बि इहा शइ वठी सघो था। तव्हां वधीक कंहिं बि जनरल स्टोर ते वेझे ते वेंदो तव्हांखे इहे प्रोडक्ट्स मिली वेंदा। वह जी ॻाल्हि हिन में आहे इहा सुठी त हिन में माखी जो इस्तेमालु आहे, माखी हूअं ई सिहत लाइ सुठी आहे पर चहिरे जे लाइ बि ॾाढी ज़बरदस्त आहे। चवंदा बादाम खे बि कुटे करे हिन में रखियो वियो आहे, उहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे। सो मुख़्तलिफ़ ख़ूबियुनि सां गॾु आहे इहा क्रीम ए ब्यूटी क्रीम। ए ब्यूटी क्रीम ज़रूरु वठो ऐं पंहिंजनि सर्तनि खे बि इहा सलाह ॾियो त ए ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो ऐं उनखां पोइ चहिरो तव्हां पंहिंजो ॾिसो त छा त तव्हांजो चहिरो थिए थो। सो हाणे पाण अचूं था मुल्की सियासी सूरत हाल ते नज़र विझूं। सो वठ वठां लॻी पई आहे ऐं बाक़ाइदा फेरफार लॻी पई आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिबु अॼु मुतवका दौरो आहे हुनजो कराचीअ जो ऐं थोरी देरि में कराची पहुचण वारो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ अॻवाननि सां हुनजी मुलाक़ात आहे। हुन हिकिड़ो टास्क बि ॾेई छॾियो आहे जेके नाराज़ अॻवान आहिनि पी टी आई खां, उन्हनि खे वरी परचाए ऐं सर्चाए पंहिंजी पार्टीअ खे मज़बूत करण जे लाइ फंक्शन लीग जे सरबराह पीर पाघारे साहिबु हुन सां मिलण खां माज़रत करे छॾी आहे, इहे बि ख़बरूं आहिनि। ऐं हुन इहो चयो आहे त मुंहिंजी तबियत ठीकु न आहे, वज़ीर आज़म साहिबु आऊं तव्हां सां मिली न सघां। वज़ीर आज़म साहिब जे लाइ बेतमादी रिथ बि असेंबलीअ में जमा कराई वई आहे ऐं उहा रिथ केतिरी कामयाबु थिए थी इहो बि वक़्तु ॿुधाईंदो। 10 मेंबर खनि खुटल आहिनि, जेकॾहिं उहे मिली वेंदा त पोइ वज़ीर आज़म साहिबु लोॾे में अची सघे थो। सो रोज़ानी जीजल अख़बार छा थी लिखे हिन हवाले सां तव्हांखे ॿुधायूं था। रोज़ानी जीजल अख़बार जेका हैदराबाद कराची ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे, हिन अख़बार जो चीफ एडिटर डॉक्टर अब्दुल करीम राजपुर साहिबु आहे। हिन अख़बार जा सिफ़ा 8 आहिनि, क़ीमत 20 रुपया आहे। अॼोकी अख़बार छा थी लिखे, अॼोकी अख़बार में तारीख़ आहे 5 शाबान ऐं जेका अंग्रेज़ी तारीख़ आहे उहा 9 मार्च 2022। मुख़ालिफ़ धुर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु बेतमादी रिथ जमा कराए छॾी, ऐवान में 172 खां वधीक वोट खणंदासीं, टिनि वॾनि जो ऐलान। टे वॾा मौलाना फज़लुर रहमान ऐं शहबाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन में इहे ॻाल्हियूं थियूं। ऐं वज़ीर आज़म जी कुर्सीअ ते शरीफ़ इंसान खे विहारण जो वक़्तु अची वियो आहे, आसिफ़ ज़रदारी इहो चवे थो। ऐं अपोज़िशन सां आईनी कानूनी ऐं सियासी तौरु विढ़ंदासीं, शाह महमूद कुरैशी। मेंबरनि खे 18 करोड़ आछिया विया, फ़ौज अपोज़िशन जो साथ छो ॾींदी, हुकूमत केॾांहुं न पई वञे, वज़ीर आज़म इहो चए थो। सो वज़ीर आज़म साहिबु वरी बि पुरूमींदा आहे ऐं शेख रशीद साहिबु चए थो त 1 अप्रैल ते अप्रैल फूल थी वेंदो ऐं सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी त वज़ीर आज़म केतिरो मज़बूत आहे। इन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ ॿियूं बि ख़बरूं अॼोकी अख़बार जी ज़ीनत आहिनि ऐं उन्हनि ख़बरुनि मंझां जेकॾहिं पाण थोरियूं शोबिस जी ख़बरुनि खे टाइम ॾींदासीं त अञा वधीक ज़बरदस्तु लॻंदो। कतरीना कैफ़ औरतुनि जो आलमी ॾींहुं भेनरुनि सां मल्हायो।
तां असां बिन सां मलायो कले ते केडो जबरदस्त प्रोग्राम कयो सी पाण कल मानु वडी तारीफ कई मानु चयो त तां जेको बलिकार बलिकार चयो न जेको इंजर पूछे उन जो मजो पहुंचो हो सिंधा हाई कोर्ट हरीम शाह के पेश थियण जो हुकुम ॾेई छॾियो FIA केस हरीम शाह जे वकील मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कयो ऐं सनम बलोच मोटी हुजण बावजूद प्यारी सोशल मीडिया ते तस्वीरूं वायरल थी वियूं ॻच अरसो टीवी स्क्रीन तां ग़ाइबु रहण बैदि ओचितो सनम बलोच जूं तस्वीरूं आहियूं जंहिंमें उहा हद खां वधीक मोटी नज़र अचे पई पर ॾाढी सुठी नज़र अचे पई नयूं तस्वीरुनि सनम बलोच मदान खे हिरत में मुबतला करे छॾियो त हीउ छा थी वियो सो बिस्मा मारूफ जी लाडलीअ जूं तस्वीरूं वायरल सचिन टेंडुलकर जो तबसरो ऐं शेन वारन जो मौत तिबी करार थाईलैंड हुकूमत रिपोर्ट जारी करे छॾी ऐं गिरफ़्तारी जी ख़बरुनि ते सोनाक्षी सॼी हक़ीक़त बयानु करे छॾी इन खां सवाइ क्रिकेट जूं ख़बरूं बि आहिनि ज़रात जूं ख़बरूं बि आहिनि खोड़ सारा सुठा कॉलम बि कॉलम निगार हिन अख़बार में लिखंदा आहिनि पढ़ो ऐं पंहिंजनि दोस्तनि खे बि मशवरो ॾियो रोज़ानी जीअल अख़बार पढ़ो मुतालियो मुशाहिदो तव्हांजो वधंदो हिते वठूं था हिकु नंढो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मोटी ईंदासीं त पोइ कचहरी कंदासीं अॼु मेकअप ते डिस्कस थींदो अॼु हार सिंगार जी ॻाल्हि थींदी अॼु एतिरियूं त सर्तियूं असांजे प्रोग्राम में आहिनि जो आउं पाण सोचियां थो त इन्हनि सभिनी जा नाला आउं कीअं खणंदुसि सो हिकिड़ी फ़ुर्दगी फ़हिरिस्त तयारु करे छॾी आहे भुल चुक बि थी सघे थी छो त इलाही असांजूं भेनरूं असांजे प्रोग्राम में शरीक थींदियूं थोरी देरि में हीउ प्रोग्राम तव्हांखे नओं ॾेखु ॾींदो हिन प्रोग्राम जी रौनक वधियल नज़र ईंदी तव्हांखे हिन प्रोग्राम में रुगो हार ऐं सिंगार हूंदो हिन प्रोग्राम में रुगो अॼु असांजो डायरेक्टर असांजो ज़फ़र जुस्कराणी ऐं मां इरशाद जागीराणी असां ॿ हिते छोकिरा आहियूं बाक़ी सभु छोकिरियूं हूंदियूं सो मोहरम नाज़ बि आहे मोहरम नाज़ मां चयो त नज़र अची वियो साईं मोहरम नाज़ परे खां सलाम थो करे सो ब्रेक वठूं था मोटी अचूं था पोइ वरी कचहरी कयूं था कैमरामैन दोस्त बि आहिनि चवंदा साईं असां बि आहियूं सो सजाद भाई चए थो त मुंहिंजी कैमरा ॾे ॾिसो असां तोॾे था ॾिसी सघूं था नंढो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था मोटी अचूं था पोइ वरी तव्हां ॾे ॾिसूं बि था कचहरी बि कयूं था तव्हां असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध बलिकार बलिकार हिक मेरो वरी बलिकार बलिकार चवण सां गॾु गॾु तव्हां ॾिसंदा हूंदो त असांजे ब्रेक ते बाक़ाइदा ईअं अॼु रौनक लॻी पई आहे उनजो हिकिड़ो सबबु आहे त अॼु असां हार सिंगार ते ॻाल्हाईंदासीं मेकअप ते ॻाल्हाईंदासीं त ख़ासि तौर ते असांजूं अधियूं जेकी कुंवार बणजण वारियूं आहिनि या जेकी ब्राइडल मेकअप सिखणु चाहिनि थियूं उन्हनि जे लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद जेको प्रोग्राम आहे उन्हनि खे असां तरबियत बि ॾींदासीं ऐं गॾो गॾु असां पंहिंजे प्रोग्राम में तव्हांजे लाइ आसानियूं पैदा करण जी कोशिशि बि कंदासीं त जल्दी जल्दी में मेकअप कीअं कजे सुठो मेकअप कीअं कजे ऐं मेकअप करण जा जेके तौर तरीक़ा आहिनि उहे कीअं हुजणु घुरिजनि कई असांजूं अधियूं आहिनि उन वटि सामान त मुहैया थींदो आहे उन वटि हर शइ हूंदी आहे पर उनखे तरीक़े जी ख़बर न हूंदी आहे त कीअं मेकअप कजे पहिरियां कहिड़ी शइ लॻाइजे बाद में कहिड़ी शइ लॻाए माण्हू पोइ ॿाहिरि निकिरे ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं पाण खे दाफ़े छॾींदियूं आहिनि जो अचानक माण्हू ॾिसी करे चवंदो आहे त इन खां वधीक त मेकअप खां बग़ैर सुठी पई लॻे सो पर अॼु असां मेकअप ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं तव्हां सभिनी खे अॼोको प्रोग्राम ॾाढो वणंदो स्टार्ट वठूं था तारुफ़ जो जेका शख़्सियत पहिरियां तव्हांखे टी वी स्क्रीन नज़र ईंदी उहा माशाल्लाह रेंटल डिज़ाइनर आहिनि द ब्राइट ब्राइड जूं ऐं महनाज़ अब्बासी हुनजो नालो आहे अॼोको प्रोग्राम में असां सां गॾु आहिनि ऐं हीअ जेकी बि तव्हां थोरी देरि में असां वटि अधियूं ॾिसंदव उन्हनि सभिनी जी ड्रेसिस जेका आहे असां उहा उन्हनि अरेंज कई आहे सो महनाज़ अब्बासी खे असीं भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम जी कैसी ठीकु है बिल्कुलु ठीकु ठाकु बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई उनखां पोइ अॼु जेकी असांजूं अधियूं सर्तियूं जेकी तयारु थींदियूं उन्हनि खे जेको मेकअप करायो वेंदो या जेकी असांजूं अधियूं उन्हनि खे मेकअप कराईंदियूं उन्हनि जे बारे में फ़ैसिलो जेको आहे उहा असांजी हिकिड़ी जज कंदी ऐं उहा बाक़ाइदा जज लॻे पई थी आख़िर में फ़ैसिलो कंदी त कंहिं असांजी अदीअ कहिड़ी अदीअ खे सुठो मेकअप करायो आहे ऐं कहिड़ी सुठी कुंवार लॻे थी पोइ उन में ड्रेसिंग बि काउंट थींदी उन में मेकअप काउंट थींदो उन में हेयर स्टाइल काउंट थींदो मतिलबु सभु शयूं काउंट थींदियूं ऐं हिननि खे हिकु कलाक जो तक़रीबनि असां टाइम ॾिनो आहे हिकु कलाक में हिननि खे पंहिंजो मेकअप फिनिश करिणो आहे पूरो करिणो आहे जज साहिबा बि असां सां गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था सिमी ख़ान हुनजो नालो आहे अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम ठीकु आहे जी अलाह का शुक्र माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई उन खां सवाइ असांजूं अधियूं जेकी हींअर कुझु तयारु थींदियूं ऐं कुझु वरी उनखे तयारु कराईंदियूं सो मेकअप आर्टिस्ट बि असां सां गॾु आहिनि मॉडल बि असां सां गॾु आहिनि सो सभई गॾु ई आहिनि हाणे मेकअप आर्टिस्ट ऐं मॉडल कैमरामैन में परेशान हूंदा कंहिंजो हणणो आहे फ्रेम कंहिंजो न हणणो आहे सभिनी खे गॾियल तौर ते भलीकार चऊं था नाला ऐं खणी छॾियां थो असां सां गॾु सिद्रा बि आहे मेकअप आर्टिस्ट ऐं मुनिहा मॉडल आहे ऐं इन सां गॾो गॾु अनमोल उहा मॉडल आहे उनजी वॾी महिरबानी उहे बि असांजे प्रोग्राम में आहिनि निशी आहे मेकअप आर्टिस्ट निशी जी वॾी महिरबानी रोज़मेरी आहे मॉडल उनजी वॾी महिरबानी ऐं नईम नाज़
नईम अनाज भी है मेकअप आर्टिस्ट उनकी वही मेहरबानी ए सोजीना भी मॉडल है वह भी असो प्रोग्राम में है उनकी वही मेहरबानी असो प्रोग्राम में मुनिहा भी है मुस्कान भी है उन्हें भी लख थोड़ा असो प्रोग्राम में शामिल है कुछ मॉडल आन कुछ वो मेकअप आर्टिस्ट आन सो पैं मॉडल के मेकअप आर्टिस्ट तैयार कदी उन सभी के गडल तौर पर भलीकार चूं था कुछ वो किन से असं गल भी सही निशी दी कि ठीक आयो तबियत ठीक है तुम नालो निशी आज मॉडल नालो आपकी मॉडल का नाम क्या है नबीहा नाम है कब से कर रही है आप मेकअप मेकअप वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन अपने सैलून को मेरे 3 आवर्स हैं अच्छा अच्छा मैं इनके लिए नहीं पूछता थ्री इनको मेकअप कब से कर रही हूँ मॉडल्स अब बनती रहती हैं अच्छा अच्छा माशाल्लाह मतलब आपको भी 3 इयर्स हो गए 3 इयर्स हैं अच्छा। वैसे तो मैं ऑन जॉब रहती थी मेकअप आर्टिस्ट ऑलराउंडर अच्छा अच्छा माशाल्लाह से तो ब्यूटी सैलून सही चल रहा है आपका जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह एन सा गडो के सा जो हेडे बैग पे बैन सा जो बसर तू उन सा जे करे ता गलन चाहो ता गलाय सको था पर वो ता जी मर्जी है ता गलाय मारबुर थो चोंदस ता गलायो बरल असा जे पुछे वरी इन पासे असा जी एकडी बी बेदी है सरती उन सा बसी गलाइंदासी ये माइक ले लें जी सबका मैंने नाम तो बता दिया फिर आप अपना खुद नाम बताएं मेरा नाम मुस्कान आजम है मुस्कान आजम जी सही ठीक है लास्ट मतलब 11 इयर्स की थी मैं जब अच्छा, से काम कर रही हूँ तो शौक बहुत ज्यादा है मेकअप का तो इंशाल्लाह अब करके दिखाएंगे माशाल्लाह वो मेकअप का शौक तो दिखाई दे रहा है लेकिन ड्रेसिंग भी माशाल्लाह से अच्छी की है आपने जी मम्मा की मेहरबानी है डिजाइनर है माशाल्लाह अच्छा अच्छा तो आपने कितनी ब्राइडल तैयार की सेंचुरी तो हो गई होगी आराम से आपकी मॉडल का नाम मेरी मॉडल का नाम है अनमोल अच्छा और ये मेरी हेल्पर है आरामिश हम तीनों बहनें हैं वाओ जबरदस्त जबरदस्त एक घंटे का टाइम देंगे आपको लेकिन टाइम स्टार्ट नहीं हुआ अभी जी इन पास एक जी आपका नाम क्या है जी मेरा नाम नहीं चले इनका नाम नहीं मैं बस नहीं नहीं आप बात करें कोई मसला नहीं है आवाज़ कभी कभार ऐसे बैठ जाती है मेरी बैठ जाती है कभी कभार आपने रात को क्या कोई किसी शादी वादी में कोई गई थी शादी वगैरह में सहरा गया था आवाज नहीं निकल रही मैं ही मनाज हूं मेकअप आर्टिस्ट हस्बैंड से झगड़ा हो गया था चिल्लाई थी नहीं हस्बैंड से तो झगड़ा ही नहीं हुआ ना यही तो मसला है बच्चों के ऊपर चिल्लाई थी किसी ने गला दबाया बच्चों के ऊपर भी नहीं चिल्लाई थी मसला ये है कि बिल मौसम की वजह से हो गया है वरना बच्चे कह रहे मम्मा चीख लेती हम पर तो ज्यादा अच्छा होता तो पानी बॉयल पिया करें आप जी थैंक यू और उसके साथ एक टिप ये भी दे दी है और क्या करें नमक के गरारे किया करें नमक के गरारे किया करें थैंक यू मशवरे आपकी मॉडल माशाल्लाह वैसे ही खूबसूरत लग रही है ये इसको मेकअप करने की क्या जरूरत है सही बात है हां सही बात है ना ये मेरी बेटी है अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे साथ ऐसे हेल्पर होती है अच्छा अच्छा तो आपकी मॉडल का नाम क्या है मेरे मॉडल का नाम सुजैना हां कोई भी हो भाई नाम का क्या है नहीं बात नहीं है कोई भी हो हम तैयार कर लेंगे हां नहीं ऐसी बात नहीं है चलें जी ठीक है वैसे जज साहिबा से बात करें कब से ये जजमेंट कर रही हैं आप या आज पहली मर्तबा आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद कर दी गई है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल ओवर पाकिस्तान क्लासेस भी देने जाती हूँ और जजमेंट करती रहती हूँ ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स होते हैं मेरे अपने मेगा इवेंट्स होते हैं तो उसमें जजमेंट करनी पड़ती है तो करती रहती हूँ चलिए मेकअप स्टार्ट कर लें इनका जी अच्छा इन लोगों के पास जो है वो 1 आवर है 1 घंटे में इन लोगों को हेयर स्टाइलिंग मेकअप देन दुपट्टा सेटिंग कम्प्लीट ब्राइड रेडी करनी चलिए टाइम क्या हुआ जी टाइम स्टार्ट ना हो जी 1 घंटे में जी 10:42 हो गए तो टाइम आपका स्टार्ट हुआ चाहता है अपनी अपनी मार दिखा दें हम बातें करते हैं जी अच्छा तो बता रही थी आपको ऑल ओवर पाकिस्तान आपने ये सारी खिदमत सर अंजाम दी है जी बिल्कुल मैं ऑल ओवर पाकिस्तान क्लासेस भी देने जाती हूँ और मेरा अपना भी यहाँ पे सैलून है और क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है काफ़ी सारी जगहों पे जैसे दैन पेशावर गए थे हम तो काफ़ी डर रहते जाते हुए जब हम क्लास देने जा रहे थे लेकिन ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जहलम नवाबशाह टंडो आदम मीरपुर खास मतलब बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे क्लासेस देने जाती रहती हूँ अच्छा। और अभी रिसेंटली मेरा आर्ट्स काउंसिल में मेगा इवेंट था अच्छा। उसमें मैंने ब्राइडल कॉम्पिटिशन भी रखा था ब्राइडल प्रेजेंटेशंस भी थी ब्राइड्स की तो उसमें भी जजमेंट की थी तो काफ़ी अच्छा रहा था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था सही 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 और ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले सही और जो लोग बैक पे होते हैं वो फ्रंट पे आएं सही क्योंकि काफ़ी स्किल्स होती हैं जो छुपी हुई होती हैं सही तो वो फ्रंट पे आ रही होती सही सही जजमेंट क्या जज करती हैं बिरफाद में फैसला करती हैं ताकि ये हमारी
जो बहने उनको भी अंदाजा हो। देखिए आपके एक तो सबसे बड़ी बात कि ड्रेस कवर होने चाहिए सबके, मतलब मैसी लुक, मतलब कहीं से भी मैसी आपका कोई भी चीज़ नज़र ना आए ना, और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, टूल्स आपके क्लीन होने चाहिए, आपके पफ, आपके ब्रशेस, हर चीज़ क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, और अगर आप टूल्स अच्छे रखेंगे ये मेकअप आर्टिस्ट अच्छी मतलब बन सकती है कोई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली ये कि मैं एक चीज़ और कहूँगी कि मेकअप आर्टिस्ट वर्क करें लेकिन हेल्पर की नीड नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक घंटा है आपके पास, आप लोग आराम से काम कर सकते हैं, तो हेल्पर हट जाए। अच्छा, हाँ आप लोग खुद वर्किंग करें, एक घंटे में बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आप हेल्पर्स, दो दो हेल्पर्स के साथ आप सिर्फ एक ब्राइड को रेडी कर रहे हैं, तो ये मतलब इनकी इनकी मार्क्स कट जाएंगे। चलें खड़े रहें लेकिन हेल्प नहीं करें। खड़े रहें टीवी पे आएंगे। इससे कि कोई इतना ज्यादा वर्किंग नहीं है, एक घंटा बहुत होता है, तो हेल्पर की तो कोई नीड नहीं होती। हाँ। अकेले ही आराम से, मेकअप आर्टिस्ट नाम है ना, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट है ना जी। ये दिल में बड़ी तारीफें कर रही होंगी आप इस बात के बाद, क्या माशाल्लाह। नहीं पता है आपको क्या कहते हैं, 15-15 मिनट में भी वर्किंग लोग करके दिखाते हैं, ब्यूटिशियंस करके दिखाती हैं, पूरी पूरी ब्राइड रेडी कर देती हैं। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग एक तरह से, मैं आपको बताती हूँ, देखिए इससे हमारी वर्किंग में स्पीड होती है, मतलब हमारी वर्किंग तेज होती है। अब हम एक घंटे दो घंटे एक ब्राइड को देंगे तो हम एक वक्त में कितनी ब्राइड्स होती हैं? सही सही। हमारी वर्किंग आगे बढ़ेगी ना, हम जिंदगी भर एक ब्राइड और दो ब्राइड थोड़ी बनाते रहेंगे। तो इनकी वर्किंग इम्प्रूव, मतलब इनकी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा। और इनकी वर्किंग फास्ट होगी इससे। अच्छा, तो इनकी अपना ही फायदा है इन सबका, अगर ये ऐसे वर्किंग करेंगी तो। अच्छा, इतनी जल्दी कैसे कोई तैयार हो सकता है? वैसे तो खवातीन दो दो तीन तीन घंटे लगा देती है। देखें, बोल के जाए भाई जाना है कहीं दावत पे, वो दावत खा के फिर आए, फिर भी वो तैयार होती रहती है। नहीं नहीं, आजकल तो बहुत फास्ट हो गई है हर चीज। इतने क्विक फाउंडेशंस, इतने क्विक ब्रशेज हैं कि आप लोग जो है ना क्विक वर्क कर सकते हैं। मतलब आजकल वो नहीं है कि पहले पेंट स्टिक, फिर केक, पूरा पेंट मुंह पे कर दिया, तो देन आजकल कुछ ऐसा नहीं है। तो बहुत इजी वर्किंग हो गई है, क्विक वर्किंग हो गई है। क्योंकि जो बिजनेस का एक वो है ना, मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आ गई हैं। सही सही, कि उससे बहुत क्विक हो गई आपकी वर्किंग। मेकअप का, मेकअप का अगर दूसरा कोई नाम रखा जाए तो क्या रखेंगे? डेंट और पेंट। देखिए मैंने आपको बताया ना कि पेंटिंग तो अब खत्म हो गई है, तो डेंटिंग भी खत्म हो गई है। क्विक एंड इजी, मतलब बहुत इजी वर्किंग हो गई। आपने देखा पहले जो है ना स्ट्रोक बनाए जाते थे और है ना कॉर्नर्स हाई होते थे और लेबनीज मेकअप हो रहा है तो ये हो रहा है, लेकिन आजकल आप ट्रेंड देखें चेंज हो गया। सही सही, बहुत ब्लेंडेड मेकअप और क्विक मेकअप। सही सही सही, मीना जी भी हमारे साथ हैं। मेकअप तो अच्छा होना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी हो तो मेकअप जचता है फिर। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से आप फैशन डिजाइनर भी हैं, रेंटल डिजाइनर भी हैं माशाल्लाह से। तो ये कब से शौक है, किस तरह से स्टार्ट किया और किस तरह से रेंट पे दे रही हैं आप, हमें भी बता दें, हमें भी जरूरत होती है कभी कभार दिया के लिए। सही। नहीं, सबको ही नीड होती है। नीड तो सब, बस लेडीज को बहुत ज्यादा मैंने सुना था कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेसेस बनवाए और अपनी शादी पे 2 लाख का बनवाया, 2.5 लाख का बनवाया, वैसे का वैसा रखा हुआ है। सही, सही, तो सही। उसको जो है वो मेरी किसी यूज का नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये जो चीज इतनी एक्सपेंसिव हम लेते हैं और फिर चंद घंटे यूज करने के बाद हमारे वार्डरोब की नजर हो जाती है, पूरी जिंदगी किसी संदूक में या वार्डरोब में पड़ी रहती है, तो क्यों ना इस चीज को रेंट पे प्रोवाइड किया जाए। तो बस इसी तरह का दिमाग में कुछ आइडिया आया, सबने कहा कि नहीं फ्लॉप हो जाएगा, कि नहीं ब्राइड का ड्रेस तो कौन रेंट पे लेगा। सही, सही। लेकिन बस वो अल्लाह का नाम लेके एक पेज बनाया, उस पर कुछ इनसे ड्रेस उठाया, फ्रेंड्स वगैरह से, रिलेटिव से लेके पेज पे पिक्चर्स डाल दी। अच्छा। तो वो आप यकीन कीजिए कुछ ही अरसे के बाद, उस मतलब कुछ ही हफ्ते गुजरे थे तो इतने ज्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। अच्छा। और सब ये कहने लगे कि भाई हमें तो रेंट पे चाहिए ड्रेस, ये ड्रेस रेंट पे चाहिए, या हमें आप ऑर्डर पे बना के दें, हम रेंट पे लेंगे, क्योंकि हम इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक अफोर्डेबिलिटी का भी इसमें फैक्टर है, और दूसरी चीज 2-3 लाख की ड्रेस कौन ले। हाँ बिल्कुल। और एक दूसरा जो फैक्टर है वो ये कि आपने एक चंद घंटे अफोर्ड कर सकते हैं वो भी अगर लेते हैं तो कुछ घंटे यूज करके वो रख देते हैं, तो फिर इससे अच्छा रेंट पे ले लिया जाए। ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। सही, सही, सही। तो वो फिर चल सो चल, वो आज तक माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो बता दिया करें कि शोहर को पहली रात ही बता दें कि ये रेंट पे लिया हुआ है, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद शोहर कहे कि वो सूट लेके आए और वो ना हो, झगड़ा हो जाए। नहीं नहीं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही लिया जाता है, सारी दोनों फैमिली से मिलके। वो ड्रेस कहाँ की, मेके में छोड़ आई है, मेके वालों को दे दी क्या? क्या चक्कर है? नहीं नहीं, वो मेके वाले ससुराल वाले अक्सर खुद ही बुक करवा के जाते हैं। अच्छा अच्छा, कि ये जो अमाउंट है ये हम कहीं और खर्च कर लेंगे, क्या जरूरत है इतना ज्यादा अमाउंट जो है वो इस ड्रेस पे खर्च किया जाए जो कि यूज भी नहीं होना है बाद में। सही सही। तो ये अमाउंट क्या रखती है, मतलब एक ड्रेस की?
देखें अभी जो इन लोगों ने भी आप देख रही होंगी जो ड्रेसेस पहने हुए हैं, तकरीबन हर ड्रेस 80,000 से अबव है। अच्छा जी, सही, सही। तो अब आप लगा लें, वो भी मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। अच्छा। आप उससे ऊपर जाएं तो 90,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,50,000, और वही ड्रेस उनको 8,000 से 10,000 रुपये रेंट पे मिल जाता है। सही, सही, विद ज्वेलरी, विद पाउच, और 4 to 5 days वो रख सकते हैं अपने पास। अच्छा, कोई इसमें 4 to 5 days रख सकते हैं। जी बिल्कुल। मैंने कहा शायद 1 घंटे का रेट बता। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटे का, 1 घंटे का। जी सही सही सही। 4 to 5 days बरी में रखना है, शो करना है। डिजाइन्स भी बनाती हैं या सिर्फ जो पड़े हुए कपड़े होते हैं वही? नहीं, नई नई चीजें भी बनाती हैं। जाहिर है, अब अगर 6 साल पुराना मैं किसी को रेंट पे दूंगी तो वो तो नहीं लेगा। हाँ, वो तो बोलेगा आज के हिसाब से मुझे चाहिए। सही बात है ना। तो वो जाहिर है उसमें आपको वैरायटी तो लानी होती है। और डिजाइनर्स जो है वो हर साल अब देखें कि वो ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। कभी शॉर्ट चोली आ जाती है, कभी लॉन्ग शर्ट आ जाती है, कभी शरारे पे काम नहीं है, कभी शरारा फुल भरा हुआ है। आजकल जो है इस तरह ड्रेसेस इन है के फुल हैवी, शॉर्ट चोली पे भी बहुत ज्यादा काम है और शरारे पे भी काम है। सही सही। सिद्रा से बात करेंगे। सिद्रा जी क्या कर रही हैं आप अभी, आंखों पे ये क्या लगा रही हैं, थोड़ा सा बताते जाएं। अच्छा। मैं सॉफ्ट ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ क्योंकि आजकल जैसे सीमी मैम ने कहा कि डार्क मेकअप्स आजकल बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करती हैं आजकल लड़कियाँ जो अपनी वेडिंग में होती है। सॉफ्ट इनहेंसिंग मेकअप होना चाहिए। अच्छा। जो कॉर्नर्स पहले डार्क चलते थे, आपने बिल्कुल सही कहा, उसी वजह से उसको रखते हुए मैं बहुत सॉफ्ट और इनहेंसिंग मेकअप कर। अच्छा, ये भी सुना है कि मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा कमाल होता है, छोटी आंखें बड़ी कर देती हैं, बड़ी आंखें छोटी भी हो जाती हैं। किस तरह से होती हैं ये बता दें मुझे, हो जाती हैं किस तरह? ये तो फिर आपको क्लास लेनी पड़ेगी। ऐसे तो कोई नहीं बता सकता, अगर बताने वाले तो बिल्कुल ही करना शुरू हो जाए। वैसे ये कि हाँ, हमारे हैंड में होता है। क्या होता है, कभी कभार मैं किसी लड़की को देखता हूँ, एक दिन आप बड़ी आंखों वाली लगती है, कभी वो छोटी आंखें करवा के आती है। ये होता है, मेकअप का कमाल है, आर्टिस्ट का कमाल है। मेकअप के थ्रू ये हो जाता है। जी हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कर सकते हम जितनी नॉर्मली होती है, जितना हमारे हैंड में होता है वो कर लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, ये चीज है। सही 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 सही। तो ये क्या लगाया आंखों पे आपने? अभी मैंने शिमर अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, सही सही। तो एडी वरी असा जी भेण रहा, यो कैमरामैन जे के दिखा रहे था, असा जी भेण जेका माशाल्लाह निशी निशी ता छापया कयो हियर या जो मटेरियल ब्रॉड फेस है ना, उनके थोड़ो स्लिम दिखाणो मके। अच्छा। तो मुझे कोशिश हो गई या मा थोड़ो फेस के जो का ना कंटूर कर स्लिम दिखा रे सका। सही सही। सोली सिंधी में गलायो तो मान रे के दिसी करे मेकअप बिल्कुल सही। तो जेडे तरीके जो हुंदो तो उन मेकअप उनके केड़ो सूट लगंदो, केड़ो सही लगंदो। अच्छा, यो अदि निशी यो बुधाईंदा हालो ता के डिस्टर्ब कंदुस ता पर कम भी कंदा रहो मुसा गलायो भी सही कम भी कयो। तो ता जको आए जकने के जो रंग फेयर आए तो उनके उन हिसाब जो मेकअप आए। जी सर। जकने का सामरी है तो उनके उन हिसाब जी सर, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कम करनो है ना। अच्छा, इसमें कोई और नहीं हिसाब तक आप सामने। सही 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 सही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही चली जाऊं ये जज बेसन लग रहा है। आप देख रही हैं काम? जी सबसे ज्यादा टाइम जो लग रहा होता है वो आईज पे ही लग रहा होता है, तो उसके बाद तो इतनी वर्किंग इजी होती है, जल्दी जल्दी फास्ट कर लेंगे। सही सही। अच्छा, कोई अगर मेकअप सीखना चाहे तो कितना अरसा दरकार होता है किसी बहन को, अगर इंटरेस्ट हो तो टीवी सब कोई देख रहा है? देखिए, शॉर्ट जो होते हैं, एक कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं और कुछ बिल्कुल ही किसी को कुछ भी नहीं आता है, ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है, तो उनके लिए कोर्सेज होते हैं, जैसे 1 month 3 month कंप्लीट कोर्सेज होते हैं, और डिप्लोमा कोर्स होते हैं 6 month के जिनको कंप्लीट सीखना है, तो इस तरह से होते हैं। और जो सीखने वाले होते हैं ना, जैसे अभी मेरे पास पेशावर और मुल्तान से एक बैच आया हुआ था, तो काफ़ी टाइम मतलब उस ग्रुप में 10-10 मतलब ब्यूटिशंस थी, तो उन लोगों ने 1 week की क्लास ली थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से और बहुत अच्छी वर्किंग उन्होंने मुझे करके दिखाई। तो सीखने वाले जो होते हैं ना, मैं कहती हूँ कि वो चंद दिनों में ही सीख लेते हैं। अच्छा। और जो पिक करने वाले होते हैं ना, सही, सही। ये भी चीज़ें जो ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड होती हैं, तो मुझे बड़ी मतलब अच्छा लगा, खुशी होती है कि कुछ जो सिखा रहे हैं देन वैसी सब वर्किंग सेम करके दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सही। और हमेशा याद रखें कि इल्म देने से और बढ़ता है, छुपाने से आपके पास भी कमी होती है। सिद्रा छुपा रही थी अभी, कह रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी। कह रही थी सबको बता दूंगी तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा। नहीं देखें, जैसे कॉन्टोर की बात हो रही थी, जैसे आई
जैसे आई कॉन्टोर होती है, जैसे फेस कॉन्टोर होता है वैसे आई कॉन्टोर होती है, ठीक है। अगर छोटी आई होती हैं तो उनको जो है थोड़ा सा ब्लेंडिंग करके बड़ा किया जाता है, आई के अंदर व्हाइट काजल लगा लें, और बहुत बड़ी आईज होती हैं उसमें व्हाइट काजल लगा दें तो वो अलग से ही लग रही होती हैं, तो उसको ब्लैक के साथ ब्लेंडिंग करें तो बहुत अच्छा लुक दे रहा हूँ। तो इस तरह से होता है, तो सही सही सब अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, सही, लेकिन बस ये कि एक घंटा है सबके पास। सही 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 सही, अच्छा मेकअप हो और अच्छी हेयर ड्रेसिंग भी, हेयर और ड्रेसिंग दोनों की बात कर रहा हूँ। ड्रेसेस तो देखिए मैं काउंट नहीं करती ड्रेसेस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके ड्रेसेस अच्छे नहीं होते, तो ये आपकी अपनी वो होनी चाहिए स्किल्स कि आप उनको इतना अच्छा करके दें कि कोई उनके ड्रेस पे नजर नहीं डाले, सिर्फ उनके फेस पे से फोकस नहीं हटे किसी का। सही बात, इस तरह होना चाहिए। सही बात है, सही कि बात कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सब इतने हैवी, इतने अच्छे ड्रेसेस। और आप ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं इनसे अभी सेकंड टाइम मिल रही हूँ, एक और शो मिल चुकी हूँ, तो इन्होंने ये रेंट पे ड्रेसेस निकाले, तो ये बहुत अच्छा, मुझे मेरे पास एक ब्राइड आई तो मैंने बोला तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, कहने लगी मैंने रेंट पे लिया है, मैंने कितने दिन, बोलने की 3000 में, और इत्तेफाक देखें कि वो इनसे ही लिया हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी, और 3000 और ज्वेलरी ड्रेस, मैंने कहा जबरदस्त यार, ये भी एक सदका जारिया है। सही 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 सही, कि आप ये देखें ये भी एक सदका जारिया है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। ये हुआ कि कोई बहन ड्रेस ले गई हो और फिर कहा कि गुम हो गई, क्या करें भाई अभी? नहीं, छः साल हो गए मुझे काम करते हुए, और अच्छा। पाकिस्तान के हर कोने में भेजे हैं, सिर्फ अच्छा। कराची में ही नहीं, सही, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुम हो गया भाई क्या करें अभी, हाँ। आधी रकम ले और खराब हो जाए तो बस खराब हो जाता है थोड़ा बहुत कि अच्छा। मेकअप के स्पॉट्स लग जाएं, वो भी हम मुझे पता है कि भाई ये चीज़ तो होनी है, अब ये मेकअप कर रही है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती ये मेकअप के स्पॉट्स नहीं लगेंगे, वो तो हैवी ब्राइडल मेकअप होता है तो उसमें लगते ही है। हाँ, ये नहीं होता कि भाई जो खाना खा रहे हैं तो खाना गिरा दिया हो या खराब करके दे दिया, फाड़ के दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत जो होता है वो सबको पता है, बिल्कुल उनको भी पता होता है, क्योंकि देखिए आप अपना भी अगर परचेज करते हैं ना तो उसका भी आप बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो ये तो फिर आपको पता है किसी की अमानत है, तो वो उसको बहुत अच्छा, जिस तरह से बताया अभी हमारी जज साहिबा ने कि सिर्फ ये ड्रेसिंग भी नहीं होती, ज्वेलरी भी देती है रेंट पे पूरा। जी बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मतलब पैकेज होता है, पैकेज होता है को तैयार करने का। जी, आप ये अभी जितनी भी ब्राइड्स ने ज्वेलरी पहनी हुई मेरी ही है। अच्छा जी, माशाल्लाह से तो सही सही। अभी आप आजकल बाजार जाएं तो एक ज्वेलरी भी आपको 6,000, 8,000, 10,000 में मिलती है, लेकिन वही आपको 1,000, 1,500 इस रेंट पे मिलता है। अच्छा, वैसे फैशन डिजाइनिंग के हवाले से थोड़ा सा बता दें, किस तरह से आइडियाज आते हैं कि ये करना चाहिए, नई डिजाइन बनानी चाहिए, खुद बनाते हैं क्या करते हैं? देखिए, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। है ना, वो अब जिस तरह का चाह रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि आजकल जो ना शॉर्ट चोलीज हैं, शॉर्ट जो आपकी शर्ट होती है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में नहीं अलाउ करते, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई ये आजकल इन फैशन है तो आप यही वेयर करें। सही सही। उनकी पसंद है, उनकी फैमिली वाले जो अलाउ करते हैं, तो फिर थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट उनको बना के देनी पड़ती अच्छा, है अच्छा। तो इस तरह से है। और फिर ये कि फैब्रिक भी आजकल नेट भी बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, शिफॉन तो वैसे ऑल टाइम फेवरेट है, इसमें फॉल बहुत अच्छा आता है और हेल्दी भी होती हैं तो वो स्लिम लगती हैं। चलिए इस पर बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, बाद में बात को कंटिन्यू करेंगे। नंढड़ी साई वठूँ था नाज़रीन, मोटी अचूँ था अज बा प्रोग्राम असो रौनकुन वो है, अज गए भी खोड़ सारे शन गए अदियों भी खोड़ सारे मौजूद हैं, तसाज इंतजार में हों, पर घो इंतजार न कराइंदी, जल्दी मोटी नड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वूँ था। जीत या वूँ था एक शॉर्ट ब्रेक, किथे न वनो दिसा रहो, सलाम सिंध। बलिकार एक भेरो वरी बलिकार व्यूअर्स, अज तुम दिसो पे असा वट प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, जाम सुठो मेकअप करिन पे, आई असा गड मैम मेनास भी मौजूद है जेकी है ना रेंट ते ड्रेसेस दींदी है, जेके मानो अफोर्ड नथा करे सगन ओ इन का शादी ला ड्रेसेस वठी सगन ता, आई जाम सुठो भी लगी सगन ता, जाम प्यारा ड्रेसेस हैं। आई मां मुस्कान के एकड़ो सवाल कन, मुस्कान तवा ने छा पे करो इन दे मो ते मतलब छा पे लगायो? मैंने अभी जो पहले आईज डन कर लेती हूँ, क्योंकि आई शेडोज का फॉल आउट थोड़ा बहुत हो जाता है तो नीट लुक नहीं आती। अभी मैंने फाउंडेशन अप्लाई करी है तो इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। सही। और इसकी आईज पे क्या लगाया? आईज पे मैंने ग्लिटर लगाया है नॉर्मली जो मिल रहा होता है, ठीक है, और आई शेडोज की ब्लेंडिंग लाइक 3-4 शेड्स मिला के कुछ अच्छी सी ब्लेंडिंग कर दो। ठीक है और सही। सिद्रा जी
आप बताएं आप क्या कर रही हैं अभी? मैं आई का मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ, नीचे शेडिंग कर रही थी, फिर मैं लाइनर लगाऊंगी और फिर इनके अंडर आई पे वाइट पेंसिल लगाऊंगी ताकि इनकी आई एनहेंसिंग हो जाए, क्योंकि इनकी आई थोड़ी छोटी है जैसे आपने कहा था, तो इनकी आईज का मेकअप कंप्लीट कर रही सो बहरहाल असा सा गड सभी असू सर्तू आन सो पर कम कन प्यूँ तेसी तीन वो कम निबिरे वन जज साहब बाकायदा टाइम के काउंट क्यों वेठी कितना टाइम हो गया गुरु जी को सबको वर्किंग करते हुए 25 मिनट्स हो गए हैं ना, 25 मिनट्स होने वाले हैं ना, तो बकाया क्या टाइम रहता है इनके पास? इनके पास रहता है 35 मिनट्स रहते हैं इन लोगों के पास। 35 मिनट्स में मेरे ख्याल से ये लोग कर लेंगे, आई थिंक सो कि ये लोग कर लेंगे, सही सही, क्योंकि ये लोग बहुत स्पीड में वर्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। माशाल्लाह, एक बात बताऊं आपको, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ये खूबसूरती आपकी रियल है या एक भी मेकअप का कमाल है? मैं जो हूँ बहुत सॉफ्ट मेकअप करती हूँ, बहुत लाइट बेस पे बहुत सॉफ्ट मेकअप पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि आजकल जो है मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब हैवी नहीं किए जा रहे, बहुत लाइट और सॉफ्ट बेसिस पे वर्किंग की जा रही है, सही सही, और इससे ये होता है कि आपका फेस भी लाइट दिख रहा होता है, सही। और बहुत हैवी फेसेस अगर आप कर देते हैं तो एज से ज़्यादा लग रहे होते हैं, तो लाइट बेसिस और लाइट मेकअप पे एज भी कम लग रही होती है। सही सही सही, सही। तो आपकी एज कम लग रही है अभी? नहीं नहीं, मैं तो जितनी हूँ उतनी लग रही हूँ। वैसे ग्लासेस भी बड़े अच्छे पहने हुए हैं, जज़ाक अल्लाह, बल्कि लगाए हुए हैं, ये कभी गिरे नहीं आपके? नहीं ये नहीं गिरते, देखें। चलिए मस्ती मजाक चलता रहेगा, मीनाज जी हमारे साथ हैं। मीनाज जी किस तरह से ये मैनेज किस तरह से करती हैं, और अगर कोई कपड़ा ख़राब भी हो जाता है तो किस तरह से वॉश आउट किस तरह से होता है, थोड़ा सा बता दें क्या प्रोसेस होता है, नीट एंड क्लीन किस तरह से रखती हैं इनको, और ये नए चमकदार किस तरह से लगते हैं हमेशा? अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं जो ड्रेसेस हैं वो बिल्कुल आपको चमकते हुए नजर आ रहे हैं। वही तो सोच रहा था, इतने ब्रांड पे भी आते हैं, और बहुत सारी ब्राइड्स की, रियल ब्राइड्स की शादियां हो चुकी हैं इन ड्रेसेस में। अच्छा, अच्छा। और बहुत सारे ऐसे मेकअप कंपटीशन भी हो चुके हैं इनमें। सही, उनकी शादियां चल रही हैं अभी तक? जिन्होंने शादी करवाई होगी वो उनपे ब्लेम जाता है, ड्रेस पे नहीं। अच्छा, तो ये है कि ड्राई क्लीनिंग वगैरह, फिर जैसे ब्राइड जो है वो वॉक करती है या पिक्चर्स वगैरह फोटोशूट होता है तो नग गिर जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको दोबारा से पेस्ट किया जाता है, कारीगर उनको पेस्ट करता है, फिर अच्छा। उसको जो है वो ड्राई क्लीनिंग वगैरह प्रॉपरली होती है, फिर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ये रेडी टू वेयर ड्रेसेस होते हैं, तो अब किसी का साइज़ नॉर्मल है, किसी का मीडियम है, किसी का लार्ज है, तो इनकी अच्छा। स्टिचिंग इस तरह से करवाई जाती है कि हर तरह की ब्राइड इसको पहन ले, सही सही, तो इस तरह से इनकी डिज़ाइनिंग होती है। कितने टाइम में वॉशिंग करवाती है, मतलब एक ब्राइडल लेके जाए या दो बार तीन बार, मतलब फिर? नहीं नहीं, जैसे किसी एक ब्राइड ने पहना तो उसको वो नेक्स्ट जब वो रिटर्न करेगी तो उसी वक्त वो ड्राई क्लीनिंग के लिए चला जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट ब्राइड जब पहने तो फिर उसको नया ही लगे, बिल्कुल नया लगे और नीट एंड क्लीन लगे, नीट एंड क्लीन, बासी बासी ना लगे ना जी, बिल्कुल। भाई ये पहना हुआ क्यों दे दिया, तो मेंटेनेंस तो जाहिर है बहुत लाजमी है ड्रेसेस की। सही 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 सही, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, हमारे साथ जो है जज साहिबा माशाल्लाह से, उनकी जो उनका जो तजुर्बा है मेकअप में वो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये सांवले रंग की लड़कियाँ, वो क्या लाइट मेकअप उनको करना चाहिए या डार्क, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मेकअप होना चाहिए उनका? मेकअप जो है ना, अगर लाइट आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी। अच्छा, और बहुत ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो उसमें एज भी ज़्यादा लग रही होती है, पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी अच्छा, बहुत आपकी पर्सनैलिटी पे, तो इसलिए मेकअप, और आजकल ट्रेंड भी है, आप देखिए मेकअप लाइट ही चल रहे हैं। सही सही। अच्छा सिमी जी, मुझे ये बताएं कि क्या होना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो अवेलेबल हों और अच्छा मेकअप हो जाए? एक तो ब्रश हो गया भाई। भाई देखिए, आपके टूल्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये बहुत काउंट करते हैं, और जस्ट आजकल तो मिनरल फाउंडेशंस चल रहे हैं तो बहुत हैवी कवरेज नहीं होती, बहुत लाइट पे आपको 24 आवर्स आराम से उसकी लास्टिंग होती है। सही सही। तो आप लोग लाइट सा फाउंडेशन, देन लाइट सा कॉम्पैक्ट, सही सही, आईब्रो लाइट सा शेड देखिए, और काजल, मस्कारा, ब्लश, लिप ग्लॉस, बस देन। कौन से इम्पोर्टेंट ब्रश होने चाहिए, मतलब जो, मतलब देखिए ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए, दो तीन ब्रश ले लें लेकिन अच्छे ले लें। अच्छा, अब ब्लेंडिंग ब्रश हो गया, लाइनर ब्रश हो गया, लिप ब्रश हो गया, और क्या कहते हैं, हाइलाइटर ब्रश हो गया, आईब्रोज ब्रश हो गया, तो मतलब दो चार ब्रश ऐसे ले लें कि आपको
जरूरत नहीं पड़े किसी और चीज की। टूथब्रश हो गया फिर तो बहुत सारे ब्रशेस आ जाएंगे इसमें। अच्छा ये ब्रश कब चेंज करने चाहिए? कभी कभार ये तो सॉफ्ट ब्रश बिल्कुल बिल्कुल कभी कभार नहीं, आपको इसको जो है ना सैनिटाइज करने चाहिए और क्या कहते हैं ब्रशेस की नीटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा। हर मेकअप के बाद उसको वॉश करना चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे आजकल जो है मेकअप ब्रशेस सेलर ये सब चीजें आ गई हैं, तो आपको उससे जो है वो देन वॉश करना चाहिए और ब्रशेस को क्लीन रखना चाहिए। सही सही सही। आप घूम सकती हैं, देखें आप सबके पास जा सकती हैं, उनको देख सकती हैं और बता भी सकती हैं हमें। हाँ क्या कौन क्या कर रहा है आपको ये आजादी है इस तरह से। नहीं मैं इसलिए नहीं उठ रही थी, मैंने कहा जरा सा ये लोग थोड़ा डन कर ले तो होता है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने कहा पहले डन कर लें तो थोड़ा सा उठ के फिर देखती हूँ इन लोगों को। सही सही। वैसे तो मैं देख रही हूँ अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा अगर कोई सबसे पहले अपना काम फिनिश कर ले तो ये भी उनकी मार्क्स काउंट होंगी? जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि कौन किस तरह से वर्किंग कर रहा है और यही कि देखें ब्रशेस काउंट करते हैं और नीटनेस से वर्किंग करनी चाहिए। अगर आप टिश्यू नहीं लगाएंगे अपने कपड़ों में, कोई भी ब्राइड होगी तो फिर आपकी शर्ट ख़राब हो जाएगी। तो अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी शर्ट ख़राब कर दी, आपने किस तरह फाउंडेशन लगाया था। सही, सही। तो फिर ये जो है काउंट करता है आप कितने प्रोफेशनल हैं। सही। अच्छा फिर ये मुझे बताएं कि इस बात को किस तरह से जज करेंगे आपके, एक तो मेकअप बहुत अच्छा कर रही है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक दो मॉडल भी पहले से ही बड़ी खूबसूरत है, तो वो तो ज्यादा खूबसूरत दिखेंगी, तो फिर कैसे काउंट करेंगी आप, जज कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है कि ये मेकअप अच्छा हुआ है या उन्होंने अच्छा किया। महारत है कि वो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा बना सकती है। अच्छा ठीक है, तो ये ब्यूटिशियन की महारत होगी, वो कोई भी फेस आप उसको उठा के दे देना वो उसको बहुत अच्छा कर सकती है। अच्छा मतलब वो खूबसूरत बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी मैंने देखा है कि कुछ कुछ मेकअप आर्टिस्ट इतने ब्लंडर्स करते हैं कि कितना खूबसूरत चेहरा उनको दे दो वो उसको इतना उसका सत्यानाश कर देते हैं कि वो एंड में बेचारी खुद परेशान हो रही होती है कि यार मैं तो वैसे ही अच्छी लग रही थी। सही, सही, होता है ऐसे। तो सही, ये उस सही कह रही हूँ, उसकी महारत होती है उसको किस तरह से उसको लेके चलना है। सही। चले जी एक कॉल ले लेते हैं, शामिल करते हैं। जी दिया गला है उदाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। अदी की है जी ड्रप जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बस वो दिल के माने तसल्ली में बैठो वाला दिया बचाई दी। अदा अदा मोरम नाज के बच्चा होता जपे अंदर तो गाने भी कौन बजा तो अडू अडू उस्ताद मोरम नाज के असा बिहारियो आए त बाबा रुगो दिसु लका दिसु ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे अफसोस हम ना होंगे। अदी को सवाल मेकअप के बारे में जिस तरह से जज होता है ना इस तरह से होके दिखाएं। सो असां गॾु सीमी खान जेका जज आहे अॼोके प्रोग्राम जी आख़िर में फ़ैसिलो कंदी त केरु सुठो मेकअप कंदड़ आर्टिस्ट आहे, मतलबु केरु असांजी बिल्कुलु ऐं बेस्ट लॻे पियो, बल्कि कंहिंखे सुठो माना मेकअप करायो वियो आहे। असांजा मेकअप आर्टिस्ट ॾाढा सुठा आहिनि जिन में निशी खान बि आहे ऐं गॾु गॾु सिद्रा बि आहे। सही सही, पहिरियों ॿियो ऐं टियों ऐं चोथों। तव्हां पाण बि मेकअप आर्टिस्ट रहिया मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं ज़माने में, तव्हांखे कीअं शौक़ु थो थी या कॾहिं खां तव्हां इहो स्टार्ट वरितो? तव्हां पंहिंजे बारे में थोरो ॿुधायो, मूंखे ख़बर पई तव्हां पाण मेकअप आर्टिस्ट रहिया आहियो। मां पाण खे कंदी हुअसि त पोइ मूंखे काफ़ी माण्हू चवंदा तव्हां किनो कयो आहे पाण खे जाम सुठो कयो आहे। अच्छा। करे पोइ मूंखे शौक़ु थियो। अच्छा पाण स्टार्ट कीअं वरितो, छा माना लॻाइणु शुरू कयो पहिरियां? आईज़ मेकअप। अच्छा आईज मेकअप शुरू कयो, पोइ माण्हू चयो तव्हांजी अखियूं ॾाढी खूबसूरत थी लॻाए, ॾाढो सुठो शेड मतिलबु करियो था, मां कंहिंखां सिखिया न हुयो पहिरियां? न मां सिखी न आहियां कंहिंखां। अच्छा सही सही सही, पोइ माना स्टार्ट वरितो तव्हां, पोइ सिखण जो मरहलो शुरू थियो? न पोइ मां जॉब कई हुई सैलून में। अच्छा पोइ सैलून वारनि छा चयो तव्हांखे, तव्हां सुठो कमु कयो था? जॉब तॾहिं ॾींदा ई न। त पोइ अॼु हीउ मेकअप तव्हां ॾिसो पिया, तव्हांजी नज़र में कहिड़ो सुठो मेकअप थिए पियो, किथे थिए पियो, इहो तव्हांखां पुछा कंदा जज जो पंहिंजो रायो हूंदो।
ता जो मार्कू के दे विंदो मुझे मार्कू नहीं ना तो ये तो नजर ही नहीं दिए मुझे मां डिठो नहीं के अच्छा जबरदस्त लग लगे सो जज को ऐसा खतरनाक जज लगो पा हां माने ये माने ऐसा जो माने तो जी जो है ना आई हूं सबनी का पैर ही मेकअप करे भी शेड्यूल कंप्लीट थी वे उन्हीं जो बाकायदे अच्छा ता कंप्लीट कर जो बस दुपट्टा रह गया उनका अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह वाह 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 डाडो खूबसूरत चेहरो थी पियो आए खास तौर निशी खान यो तैयार कयो आ अवेदा सिद्रा जो को आए सो मेकअप करे भाई लिपस्टिक शायद लिपस्टिक कम करे भाई लिपस्टिक लगाए पी छापी करे लिपस्टिक ये ना जी आगे तो लास्ट 15 मिनट बचाई सही है सो माना वडी गाली आए तो चेहरो पई जगह ते पर जेकर लिपस्टिक जो सही इस्तेमाल थे तो लिपस्टिक जो जो मैच आए वो जैसे कपड़न से थे तो सुनो लगे तो अच्छा बी बी मजे की गाल ये दिसंदा एक तो लिपस्टिक बो वगो पोड़े कलर जो वारन जो जो कलर है वो भी काउंट जैसे वार सुछा लेकिन वारन जो तो मतलब ना होता है दुपट्टो सामो अच्छी विंदा अच्छा शेड ना नजर पर लेकिन वार खुले रखते तो वार सुछा हो जाए बेहतर है लेकिन ब्राइडल के तो दुपट्टो जरूरी है ना ये जी अच्छा तो ये गल के होता तो वार भले किना ही हो जाए बाल वार जो ज्यादा कौन होता है उससे हैवी मतलब जूड़ो वगैरह करे उनके कवर कर लेने अच्छा सिमी खान बताएं क्या देख रही हैं आप अपनी आंखों से क्योंकि हम तो देख रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा नहीं अच्छा ब्लेंडेड मेकअप है देखें न्यू ट्रेंड है आजकल लोग बच्चियाँ जो हैं जो ब्यूटिशियंस हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैवी लुक को वो लोग भी प्रिफेयर नहीं करती हैं सही और बहुत अच्छा ब्लेंडेड मेकअप कर रहे हैं सब लोग ना सही सही अच्छा वैसे एक बात बताएं सिमी खान जी जी ये एक खुली दांधली नहीं है कि दूल्हा बदुआएँ देता होगा मेकअप आर्टिस्ट को आजकल दूल्हा पहले से देखे हुए होते हैं लड़कियों को इसलिए बदुआएँ नहीं देंगे आप ये फिगर अच्छा अच्छा बीच में ट्रेंड चला था ये कि ब्यूटी पार्लर बंद करें ब्यूटी पार्लर बंद करें वो सुना था ट्रेंड आपने जो जो ये बोल रहे थे फिर उनका क्या होगा तो ये अगर ब्यूटी पार्लर ना होते तो क्या होता ये बता दें क्या होता ये भी ब्यूटिशियन की महारत होती है कि वो कितना अच्छा सा आपको रेडी करके दे रही है आपके इतने क्या कहते हैं आपका एक बहुत अहम इवेंट होता है ये जिसमें वो बहुत अच्छा सा आपको रेडी करके दे रही है जबरदस्त तो ये क्या मस्कारा लग रहा है अभी क्या है ये जी बिल्कुल ये मस्कारा लगा रही हैं बेटा एक पफ ना फिंगर पफ भी यूज किया करो हां जबरदस्त वाह वाह दिया कुछ और चाहिए होता ना आप परेशान अच्छा अच्छा इतना अच्छा मेकअप होना चाहिए कि दूल्हा पहचान जाए सुबह में भी जी बिल्कुल अच्छा कभी ये हुआ है सिमी जी मुझे ये बताएं कि मेकअप करके अगर अपने फोन का पासवर्ड लगाए फेस पासवर्ड जो होता है तो वो खुल जाता है मेकअप के बगैर भी आईफोन तो खुल जाता है या फिर मेकअप करना पड़ता है मैंने ट्राई नहीं किया वैसे खुल जाता है अच्छा मतलब वो आंखों से होता है शायद हां बिल्कुल आई कांटेक्ट से मोबाइल के सेंसर्स चलते हैं ना अच्छा अच्छा कभी-कभार ये होता है कि बच्चे ढूंढते रहते हैं बगैर मेकअप के कि अम्मी कहां है नहीं इतना ना लगाने की जरूरत नहीं है ना क्या बच्चों को ढूंढना पड़ेगा मम्मी कहां है शादी बीच में वीडियो वायरल हुई थी ना जिसमें माँ बोली थी बच्चे को कहना मेरा बच्चा तो आज मुझे पहचान ही नहीं रहा मैं आपकी माँ हूँ चलें जी चलें हंसी मजाक पे ब्रेक लेते हैं असा का जेकने असन प्रोग्राम में ता शामिल थिंदो असा स गड हुंदो ता जी बड़ी मेहरबानी थिंदी अज मेकअप कयो पियो ने क्वारू तैयार थन पियो साईं ए क्वारू के तैयार करण बडो मसलो हुंदो आ टाइम लगंदो आ एतरो टाइम लगंदो आ स बराड़ी मिनट वा जो क्वारू थिंदे थिंदे एतरो टाइम लगी हुंदा घोट पाण तंग थी हार फिटी कंदो आ मेहरबानी कयो जल्दी शायद थवा निकाह पढायो जान चढायो सो बराल इते वरी जको आ सो टाइम के मदे नजर रखी करे जल्दी जल्दी कम कयो पियो ने ए असा जी जका भेण आ निशी उन तो कम कर छो है उन मेकअप जहाँ मॉडल जी हुई वह तैयार थी चुकी है उनके सिर्फ रो पाराण आरी फाइनली जज बुदाई सो इतने वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मोटी तो कचहरी बलिकार बलिकार एक भेरो वरी बलिकार बिल्कुल हार सिंगार जो प्रोग्राम है आज मेकअप आर्टिस्ट अस गड है ने मॉडल खूबसूरत तैयार थन पई बल्कि क्वार तैयार थे पई बल्कि क्वारू मॉडल तैयार भी थी वही है बिल्कुल थोड़ी देर में भी मॉडल्स भी तैयार थी विंदू भी क्वारू भी तैयार थी विंदू
असा तहां सा गडायो प्रोग्राम में पर इन वक्त एक नयो मेहमान बस प्रोग्राम में शामिल थियो है नई मेहमान शख्सियत है उन जो भी तारुफ तहां सा कराईंदा हूं देर आया दुरुस्त आया आखरी लमन में पोती है डाडी सुठी गाईंदी आ डाडो सुठो गाईंदी आ डाडो सुठो आवाज रखंदड़ असी फनकार आ अस गड है आयशा राजपूत उन के असी वेलकम चो ता आयशा जी कैसी है ठीक है माइक उठा लें फिर बात करें माइक दिया था आपको किसी जमाने में हमने कैसी है ठीक है आप जी बिल्कुल ठीक हूं आप सुनाएं आते आते इतनी देर लगा दी बस थोड़ी प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था इस वजह से वरना जल्दी आ जाती अच्छा अल्लाह खैर करे सब खैर है ना होता रहता है अच्छा और कैसी है ठीक है शुक्र है अल्लाह का तबीयत मिजाज ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक घर वाले सब ठीक हैं सब खैरियत से हैं अच्छा घर वाले भी बाहर वाले भी अच्छा सब ठीक है सब ठीक है अच्छा तो आज क्या सुनाएंगी पाकिस्तानी सॉन्ग है पतंग बा सजना से चले पहले सुन लेते हैं मेरे ख्याल से बाद में बात करते हैं तब तक ये मेकअप आर्टिस्ट जो है ना अपना काम कर ले क्योंकि ये तैयार हो जाए हाँ देर से आई है तो सबसे पहले इनको एक मौका देना चाहिए भैया जी We'll be right back.
जी वाह वाह जी क्या कहने क्या कहने जबरदस्त सो कलाम दरड सुचो बुदो सी पाण गडो गडो यु बदाइना रहू त खोड़ सारी अस जो मॉडल्स तैयार भी थी चुके हैं बल्कि एकड़ी तो तैयार थी चुके हैं निशी खान तैयार कर छे निशी खान ने सबसे पहले तैयार किया है ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा बहुत ही अच्छा मेकअप किया है मेरे ख्याल से तो इनकी भी हो गई है शायद ताकि अच्छा ऑलमोस्ट डन ही है ठीक है जी ताकि के तो लगी ता पर जी के सब पेरो बुदा जज जो पंजो फैसला हो ताकि निशी खान जो मेकअप किया लगो मां के जबरदस्त लगो मेकअप बस इतरो चंदो जबरदस्त लगंदो इने की प्यारी पी लगे माशाल्लाह सिर्फ प्यारी पी लगे अन्या वधी के चीज हो ता यो छाड़ सो मेकअप जाम सठो लगे जो नक में पातो तो इने के छा चंदा इन कमो पे छा जाए नहीं ता नथ जाए नहीं आई थिंक छा जाए नहीं इन के नथ नथ हां सही 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ऐ जको गले में पातल तो हार अच्छा है यो हार ता पूछा कन ता ये ता जो शोभा ता के वदी ये ना ऐ कनन में जके पाता ती छ है झुमकन झालान वालान छ है टॉप्स झुमक झुमकन ही वाला है वालाइन वालाइन वाह 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 ये सुता के ता जे मामले की खबर जण गुरजे ना ये वाला मां ये कौन पता मैं मां शादी ने कौन दी जरूर तो यार शादी में मानू पाए अच्छा इन पास जको दिसो ता पण मुस्कान जका मॉडल तैयार करे भी आ थोड़ी देर पेरन छुपे ते इन मॉडल जको रंग वो थोड़ो सामरो वधी की सामरो पर ही डाडी खूबसूरत तैयार थी माशाल्लाह जाम जबरदस्त इनके मेकअप कयो है सही 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 पेरा बिल्कुल चेंज लगे पई लुक की चेंज थी वे नी जो स्टार्ट जदे सब प्रोग्राम में वतो सी तो उन वक्त ता रिठो हु तो बिफोर एंड आफ्टर हां उन वक्त कुछ बे हुयो हाने माने चेहरो ने जो कुछ बे थियो है पर हाने डाडो खूबसूरत आई नी जो ड्रेस भी माशाल्लाह जाम कलर प्यारो है सही 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 ए जका सब का प्यारी लगे पई उआ किया हाने बुदायो ता भाई ता पंज राडी सको अस पंज राडी दासी जज जी पंज रायो अस पंज राय सुठा लगन पिया उ बड़ा सुठा लगन ता माशाल्लाह सबसे आप राय दे सकते टेक्निकल चीजें जी ए सिद्रा की तैयार कयो है पंजी मॉडल के उन के बारे में बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप मां ने जिक्र ता का पूछा के ता पान मेकअप आर्टिस्ट है ता वधिक जान हुंदी यो मुझे शो बनाए सॉफ्ट मेकअप कयो वो प्यारो पे लगे लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी उन जा वार ने मुन जे ख्याल में तैयार की जे मरले में आप क्या कहेंगी मीनासी वैसे टेक्निकल चीजें तो सीमी ही बताएंगी उनको ही पता है कि बेस कैसा है आईज कैसे बनाएंगे दिखने में मुझे मुस्कान की सबसे अच्छी लग रही है ब्राइड अच्छा अच्छा सही सही और उसके बाद निशी की ब्राइड सेकंड नंबर पे सही 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 निशी बहुत अच्छा तैयार करती है मॉडल को माशाल्लाह से उनकी ड्रेसिंग भी बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह से मेकअप बड़ा अच्छा और हेयर ड्रेसिंग और दुपट्टा भी बड़ा अच्छा अच्छे तरीके से वियर किया हुआ है सही बात है सही बात है इधर मुस्कान भी आखिरी मराइल में मुस्कान इनका भी रेडी हो गया रेडी हो गई जी आप वाह 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 क्या कहेंगे आपने जी बिल्कुल कहा वो भी हमें सुनाई नहीं दिया चले जी दो तैयार हो गई हमारी मॉडल्स मुस्कान जी आपने भी अपनी मॉडल को तैयार कर दिया जी ओके जी उधर सिद्रा जी तैयार कर रही हैं आखिरी मराइल में सिद्रा जी भी उसके बाद हम सीमी खान से पूछेंगे कि फैसला कुन घड़ी आने वाली है दिल धड़क रहा होगा जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके जहन में एक बात आई होगी कि पता नहीं मैं जीत पाऊँगी पता नहीं कभी कभार ये होता है कि जिनके जहन में ये आता है वही जीत पाती हैं कभी कभी नहीं भी हो पाता नहीं हो पाता लेकिन फाइनल फैसला सीमी खान करेंगी हम अपनी अपनी राय देंगे लेकिन बहुत ही अच्छा मेकअप सब ने किया है और बहुत ही अच्छा मेकअप आर्टिस्टों ने करवाया है बहुत ही खूबसूरत लग रही है बहुत ही प्यारी लग रही है नंडे टाइम में शॉर्ट टाइम में एडो जबरदस्त मेकअप मुझे ख्याल में नथो थे पाण वटी थिंदो त बब टटे कला गोरु तैयार थिंदो है कुआरु वेन तो अच्छी नहीं कोने गोट वे चलो वही वही थकी पेंदो है बल्कि आईनो पाण थकी पोंदा मुझे जान छड़े जो मुझे सामने चो बिठायो सो बहरहाल ही शॉर्ट टाइम में एतरो सुठो मेकअप है हाने मेकअप जा जे की तौर तरीका है वो थोड़ा मटसी गए हैं लाइट मेकअप कंदा कयो जे सीमी खान बुधायो पे थोड़ी देर पे तो लाइट मेकअप करण जो एकड़ो फायदो यो आ तो मानू जो है सो उम्र चोर भी लगन है मतलब उम्र घट लगंदी है जेके ता पाण के वधिक मेकअप कंदो वधिक करंदो या सोली सुदी लगला तो दाफींदो पाण के मेकअप जो थिपे करे इंदा है बेस एतरो अजीब छो रंग नजर इंदो आ वो भी न करन खबे अच्छा एक मुझे बात पता है सीमी खान जी मेकअप सिर्फ चेहरे पे होना चाहिए हाथों में भी होना चाहिए गले पे भी होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना फिर बिल्कुल काउंट करता है अगर आप फेस पे बेस बना रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा अगर डार्क फेस है और रिक्वायर्ड होती है ब्राइट ना तो अब आगे ब्यूटिशियन की भी एक्सपर्टीज होती है उसमें तो उनको हैंड पे भी आपको लाइट सा बेस देना चाहिए ताकि अक्सर जो है वो आप देखते हैं फोटोग्राफर जो होते हैं तो हाथ फेस के पास जाता है तो वो इक्वल रखना चाहिए बहुत ज्यादा फर्क होता है बहुत ज्यादा
का डिफरेंस होता है तो फिर लोग इसको उठाते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने इनको वाइट कर दिया, सही सही ऐसा होता है। अच्छा मैं एक बात कहूँगी यहाँ पे कि देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, सही। आप किस आप इस स्टेज पे आए यही आपके लिए ऑनर की बात। वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त, आप यहाँ तक आए ना यही आपके लिए ऑनर की बात है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, सब अपने इस पार्ट पे बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और सबकी वर्किंग बहुत अच्छी होती है और हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, सही कुछ बात। ना कुछ खामी तो सब में रह ही जाती है, सही बात, सही बात। ठीक है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तो माहौल ऐसा है कि देना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन इनको भी कि आप लोग की यहाँ तक आए ना किसी को अपना आप समझे, हमने विन किया है कि आप इस स्टेज पे आए, सही सही, तो आप ये समझे कि हम विनर, सही सही। सबसे पहले जी निशी खान ने तैयार की मॉडल, उसके बाद आपका नाम क्या था जी, नहीं माने फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जा रहे जी, ऑलमोस्ट डन हो गया है, गौर से देख लें वही लड़की है जो पहले थी, चेरीज कॉस्मेटिक की ब्रांड है, चेरीज आप इनको माइक जी माइक दे दें जी, माइक दे दें आपके पास था जी जी। सीमी खान जी खुद पूछेंगी आपने बेस कौन सी यूज की है, चेरीज कॉस्मेटिक्स की बेस यूज की है, आपने ग्लिटर कौन सा यूज किया है, चेरीज कॉस्मेटिक्स। अच्छा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे जो जो लोग देख रहे हैं व्यूअर जो उनको पता चले कि हमने इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, सही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छी चीज़ लग रही होती है पता नहीं होती कि क्या चीज़ यूज़ की, सही। आपने लिपस्टिक का कौन सा शेड यूज़ किया है, ब्रांटो, अच्छा मिक्स एंड मैच कर दिया, ओके अच्छा ठीक है जी, ठीक जी। नई माँ की क्लास हो गई जी, अब निशी की क्लास लेंगी सर साहब। अच्छा निशी आपने कौन सा बेस यूज़ किया बेटा, अच्छा तीन चार ब्रांड्स पे मिक्स करके मिक्स एंड मैच करके आपने वर्किंग की, अकॉर्डिंग इनकी स्किन के हिसाब से 36 का मेरे पास स्किन टोन था तो मुझे दो टोन बढ़ा के 45 तक का मैंने इनको टोन, अच्छा दो टोन सिर्फ बढ़ाया, बहुत ज़्यादा मिसमैच हुआ। अच्छा मिशी एक चीज़ का बेटा ख्याल रखा करो बहुत ज़्यादा कि कहीं पर भी मैसी लुक ना दे, आप डस्ट के लिए सिरम आप जो सीलर होता है ना डस्ट जो लगाते हैं उसके लिए सीलर ऐसा यूज़ करें कि वहीं पर डस्ट जो है ना स्टिक हो जाए, ये मतलब नीचे इधर उधर झड़ी हुई नजर ना आए, ये थोड़ा मैसी लुक दे रहे हो, बाकी बहुत अच्छा किया आपने। चलें जी सीमी खान दो से मुलाकात कर लें तो ब्रेक पे जाएंगे जी, अच्छा किया आपने, सही है इनका हैवी फेस था थोड़ा सा और कॉन्टोर करती तो और अच्छा लगता, लेकिन बहुत अच्छा किया, अगर बहुत हैवी कर देती तो वो एज में बड़ी लगती, हालांकि वो उसकी यंग बची है, ठीक है बहुत अच्छा किया माशाल्लाह 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 कहना चाहिए भाई, सुभान अल्लाह भी कह दें आप, ज़बरदस्त ठीक है, आपने भी बहुत अच्छा किया है। मुस्कान मुस्कान ऊपर देखिएगा बेटा, अब मुस्कान आपने बेस कौन सी यूज़ की है, माइक दें ब्यूटी ग्लेज़्ड, अच्छा ठीक है सही है जी, माइक दे दें ये जी माइक की बात करनी, ठीक है बेस कौन सी यूज़ की बेटा, मैंने ब्यूटी ग्लेज़्ड की बेस यूज़ करी है, बहुत ट्रेंडिंग है, ओके ओके अच्छा, और लैशेस कौन सी लगाई हैं, लैशेस मैंने वरीशास की लगाई हैं, वरीशास ब्रांड ऑनलाइन है मेरे ख्याल से, हाँ चाइना से इंपोर्ट जो होता है ना, तो अच्छा अच्छा सही सही, और ग्लिटर कौन सा यूज़ किया, ग्लिटर मैंने नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, लाइक मतलब बहुत चीप रेट्स पे मिल जाते हैं, चीप रेट पे नॉर्मल रेट पे मिल जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई एंड पर जाते हैं फिर वो, लेकिन बहुत अच्छा ग्लिटर यूज़ किया आपने, बहुत अच्छा शाइन। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद फाइनल फैसला आपसे ये हम सुन लेंगे कि कौन नंबर वन पे है, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे, ठीक है जी, ब्रेक खां पोइ फौरन ये जेके मॉडल्स आहिनि उहे साम्हूं ईंदियूं कुंवारूं ऐं हिकु ख़ूबसूरत कलाम बि ॿुधंदासीं ऐं जज जो फ़ैसिलो बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त केरु विनर आहे, मतिलबु पहिरीं पोज़ीशन आहे, हूअं त सभिनी ॾाढो सुठो मेकअप कयो आहे पर पोज़ीशनूं ॾियणु लाज़मी हूंदो आहे, ॾाढो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था पोइ मोटी अचूं, वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक, किथे न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। बलिकार बलिकार हिक पेरो वरी बलिकार, बिल्कुल हाँ आखिरी फैसले की घड़ी अच्छी वही है, असा जो जी मॉडल्स हुई जी अजो के प्रोग्राम में कुंवर थी करे तैयार थियन उ तैयार थी चुक हैं जिन्हें उन्होंने तैयार किया जिन मेकअप आर्टिस्ट उजे मॉडल से गुड उन बैग से बीठी हैं हाँ फैसलो असाजी जज साहिबा कंदी सीमी खान डेसी वदूँ था छो तो टाइम असा वटे शॉर्ट है शॉर्ट टाइम में नतीजो देो है तो नंबर वन केर है नंबर टू नंबर थर्ड मतलब टे पोजिशनू असणियन केर पहिरें नंबर से केर बे नंबर से केर टे नंबर से माशाल्लाह मुझी नज़र में सब खूबसूरत हैं हाँ सीमी खान पा बुदाई जी सीमी खान
जी मशवरा हो गया तो बता दे जी। देखें क्या कहते हैं, एक दूसरे की जो है एडवाइस लेनी, राय लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने सबसे मशवरा किया पहले, तो इस हम पोजीशन पे पहुँचे हैं कि देखें मैंने आपको सबको यही बताया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता, ये आपके ऑनर की बात, मतलब आपके लिए एक ऑनर की बात है कि आप इस स्टेज पे आए, वर्किंग की और बहुत अच्छी, नो डाउट सबने बहुत अच्छी वर्किंग की है, बहुत अच्छी स्टाइलिंग की है, सबके लिए वाकई क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी आप लोगों की वर्किंग है और इम्प्रूवमेंट आती है थोड़ी थोड़ी, हम अगर अपने पॉइंट जो है नोट कर लें तो उससे इम्प्रूवमेंट आती है, तो सबकी वर्किंग बहुत अच्छी है। मिशी ने आई मेकअप बहुत अच्छा किया है, मिशी सॉरी क्या नाम है आपका, मुस्कान, मुस्कान की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है, मुस्कान आपने अच्छा किया बेटा मेकअप, और मिशी आपने भी मेकअप बहुत अच्छा किया है, लेकिन देखिए वही बात, किसी का बेस बहुत अच्छा लगा हुआ है, किसी का बेस लाइट सा ग्रे पे चला गया, तो लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स तो होती हैं, वही मैंने कहा था कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो फर्स्ट मुस्कान, मुस्कान के लिए तालियां हो जाए, सेकंड मिशी, मिशी थैंक यू, मिशी जी लाइव तालियां दीजिए भाई, थर्ड इन दोनों को ही कर दें, दोनों का ही अच्छा है। अच्छा हां चले नहीं, थर्ड पे नहीं मान, बाकी मेरी वजह, मेरी तरफ से आप लोग सब फर्स्ट है, सबने बहुत अच्छी वर्किंग की, किसी का कुछ बहुत अच्छा है, उन्होंने क्या कहते हैं लाइनर बहुत अच्छा लगाया, इन्होंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की है, इन्होंने बेस बहुत अच्छी की है, और इनका आई मेकअप बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत मतलब फेस को हैवी फेस को बहुत अच्छा कॉन्टोर किया, तो सबकी कुछ ना कुछ चीज बहुत अच्छी है, सबकी जगह परफेक्ट है, लेकिन उनकी जो मॉडल थी वो सामली थी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इतना निखारा है उसको कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, तभी आपने फर्स्ट पोजीशन दी। चले जी ठीक है, मुबारक हो मुस्कान आपको फर्स्ट पोजीशन, निशा जी तांके मुबारक, सदरा जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका भी नईमा जी बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आई, मॉडल स्टडी खूबसूरत मैंने ट्रे चार दिन मेकअप नलाया जो ये समझ में आ रही बात, तीन चार दिन तक ये मेकअप उतारना नहीं है ठीक है, इतनी मुश्किल से लगा। चलिए बहुत शुक्रिया जी आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में नास हमारे प्रोग्राम में आई, आप किराए की कातिल है मैं सिर्फ किराए पे देती हूँ, कातिल ये लोग हैं। चलें जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपना फेसबुक पेज भी बता दें, द ब्राइड्स ब्राइड ब्राइडल ड्रेसेस ऑन रेंट के नाम से। सही 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 ठीक है। अच्छा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है सीनी ब्यूटी सलोन के नाम से है। सही। किस यूट्यूब पे हम ये कि पूरी वर्किंग आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान में जो है लोग क्लासेस लेने हमारे तक नहीं पहुंच सकते हम तक, तो हम लोग यूट्यूब पे पूरी पूरी वीडियोस डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो आप लोग वहाँ पे इजीली देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए जी बहुत शुक्रिया सिमी खान, आपने टाइम निकाला, और आयशा जी आपके आखिर में एक अच्छा सॉन्ग सुनेंगे, और वो तड़के वाला कोई सॉन्ग होना चाहिए, सारी दुल्हनें खड़ी होंगी, हम भी उनके साथ होंगे, खड़ी नहीं होंगी जी, मामा कह रहा है खड़ी नहीं होंगी, इधर ही खूबसूरत लग रही हैं जी, तो यहीं पर बैठी रहेंगी, एक अच्छा सॉन्ग सुनेंगी, जो आपके साथ जिन्होंने हेल्प किया उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों का भी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, जो प्रोग्राम में तो पूरे होते, तो मोहरम नाज सही ताया जी बड़ी मेहरबानी, आप सबके साथ ये चांदनी वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम का तोहफा जाएगा जी, ये सबके हाथ में मैं दे दूँगा, चांदनी वाइटनिंग क्रीम, ये जी मेरा जी आपके लिए, थैंक यू सिमी खान जी आपके लिए चांदनी वाइटनिंग क्रीम, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आई, आयशा जी आपके लिए भी चांदनी वाइटनिंग क्रीम का तोहफा है, आपके साथ जाएगा, इन पास उनके भी ॾेई छॾियो, दिया इन्हनि खे ॾेई छॾियो हथनि में, चांदनी वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम इहो लॻायो, अञा वधीक ख़ूबसूरत थींदो, फिर मेकअप करण जी ज़रूरत नही पड़ेगी मेरे ख़्याल से, ये क्रीम लॻाएंगी तो, चांदनी ब्यूटी क्रीम वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम वारनि जी महिरबानी, जिन असांजो प्रोग्राम में सहकार कयो, प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, हयाती पखर सुभाणे वरी मिलंदासीं, मोकिलायूं हाणे या अञा हिते टिकूं, मोकिलायूं था पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, उन्हनि जो ख़्यालु रखियो, जंहिंजो ख़्यालु रखण वारो केरु बि न आहे, आयशा जी आवाज़ में हिकु ख़ूबसूरत कलाम छॾियूं वेंदासीं, पंहिंजी दिलि में पंहिंजी चाहे अॼु वेंदासीं, टेक केयर, बाय बाय, अलाह वाही जी। Thank you.
जोगी